sometimes, like all you want to do is run. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिस्टर यंग लोकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाई आप सुबह सुबह कैसे उठ गया। आज आपके भाई ने करना है वलीमा अटेंड और इस टाइम मैं फिर रहा हूँ फार्म हाउस में अपने में, ठीक है। ये देखें और तो दोधी का वेट कर रहा हूँ, दोधी आता है तो फिर हम दूध तोली करवा के फिर हम निकलते हैं सैलून। तैयार शार होना है और ख़त भी करवाना है हमने सैलून जाके, ठीक है। तो ख़त भी काफ़ी बड़ा हो रहा है और बालों की सेटिंग मैटिंग करवा लेंगे। बाल इतने बड़े नहीं हैं, सेटिंग करवा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है तो आगे चल के बताएंगे सारा। अभी इधर ही बता दिया तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा भाई, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। लीजिए हमारा दूधी आ गया, इसके साथ थोड़ा शुगर लगाएंगे पहले, उसके बाद हम इसको दूध बनवाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे, ठीक है। मेरा चाचा, ये दूधी चाचा है, ये फार्म में दूध बनवाने आया है, ये देखें। हेलो चाचा, चाचा ये इसकी बाइक खड़ी हुई है, ये डक्कल खोल रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मिनट وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال कोई भी सीन मिस नहीं करने वाला, सारा सीन आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे भी और वहाँ पे भी जाके, ठीक है। साथ ही रहिएगा, जाइएगा मत, बहुत मजेगा ये व्लॉग होने वाला है। मिलते हैं अब आपको। तो यार बाइक काफ़ी गंदी हो रही थी तो सर्दी की वजह से मैं इसको शावर नहीं दिलवा रहा था कि कहीं यार इसको भी सर्दी ना लग जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि अगर मैंने शावर लिया तो इसको भी आज शावर दिलवा देता हूँ। फाइनली मैं शादी वाले घर पहुंच चुका हूं, तो यहां पे तो कोई हल्ला शुल्ला नहीं है, ठीक है। और यार रास्ता इतना गंदा रास्ता था, मैं अभी बाइक वॉश करवा के लेके आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि बाइक की माँ बहने को गई है, सारे जूतियों की और बाइक की माँ बहने को। देखें बाइक की माँ बहने को गई है ये सारी, ये अभी वॉश करवा के लेके आया था मैं। तो यार अब निकलते हैं हम शादी हॉल के लिए, ठीक है। तो यार इस वीडियो की मैंने वॉइस बाद में चेक किया तो वॉइस इसकी गायब हो गई थी। तो चलते हैं अब शादी हॉल, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है खाना शाने का, ठीक है। तो भूख शूख भी लग रही थी, मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था कि भाई वहाँ जाके खाएंगे। A few moments later. तो यार फाइनली आपका भाई शादी हॉल पहुंच चुका है। तो यार इसकी एंट्रेंस कमाल की एंट्रेंस है, मैंने तो सोच लिया कि भाई अपनी शादी पे यही मैरिज हॉल बुक करवाने वाला हूँ। तो यार एंट्रेंस पे इतना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, तो आगे चल के कैसा डेकोरेट होगा, कमाल है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बस अब जल्दी जल्दी आप अपनी भाभी ढूँढ लो और मैं भी यही मैरिज हॉल बुक करवाने वाला हूँ, सोच लिया, डन है। यार इन्होंने ऊपर भी बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, ये देखें आप, बहुत प्यारा डेकोरेट है। तो यार एक मज़े की बात बताता जाऊं कि सबसे पहले आपके भाई ने इस मैरिज हॉल में एंट्री मारी है, तो मेरी तो इतनी शर्म पाट रही थी, इतनी शर्म पाट रही थी कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस मैरिज हॉल के गटर साफ करने आया हूँ। जो दो तीन चार गेस्ट आए थे फिर मैंने हौसला होया कि नहीं तुम भी गेस्ट ही हाँ, अगर पाँच दस मिनट होर ना आते तो उन्होंने तो मेरे हाथ से फड़ा देना सी डंडा कि लै बच्चे वह हरा जाता ही गटर उत्ते शावा तेरे। तो वो जरा सामने वीरा मैं एवं वेंदा जिमें मैं गिलास चुक के भज गया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। खैर मेरी तो जल्दी आना मजबूरी थी क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था, ठीक है। अब आप लोगों को तो नहीं ना पीछे रख सकता, कोई बात नहीं, अगर मेरी शर्म पार्टी है तो कोई बात नहीं। अच्छा आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर। तो यार यहाँ से मैंने भाई से पूछा कि भाई फंक्शन स्टार्ट होने में कितनी देर है, तो वो कहता ऑलमोस्ट अभी एक घंटा पड़ा हुआ है। तो मैं उन्होंने कहा तू मुँह चुक के क्यों पहला आ गया, मैं तो अपनी फैमिली के लिए व्लॉग बनाने आया हूँ, तो तू मुँह चुक के क्यों आ गया पहला। मैं आपको जल्दी जल्दी शादी हॉल विज़िट करवा देता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को भी अपनी शादी पर साधना है,
ठीक है। मेहंदी, फिर बारात, फिर वलीमा, और आज है वलीमा। वलीमे पे आके शादी हो जाती है क्लोज। अच्छा ठीक है, सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बताने का ये मकसद है कि अब मेरा भी टाइम हो रहा है घर जाने का। ठीक है, चल चल चलो। ओके जी, यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग एंड, मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही हंसते मुस्कराता रहा करें आप, ठीक है, और मेरे लिए दुआ करते रहा करें। यार इस क्लिप की भी आवाज़ उड़ गई थी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे करते हैं व्लॉग एंड, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, और मेरे लिए करता रहा करें दुआ। अल्लाह हाफिज़।